हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरु जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो अंक दिए हुए हमें 7002 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें। देखो जब भी हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होगी तो सबसे छोटा अंक देखना होगा। तो इनमें सबसे छोटा अंक क्या है? 0, 2 0। तो देखो 0 है, तो देखो 0 से किसी भी संख्या को हम स्टार्ट करते हैं तो वो अंक काउंट नहीं होगा। 0 किसी संख्या के पहले अगर आ रहा है तो वो 0 वो संख्या काउंट नहीं होगी। देखो इसके बाद में आएगा 2, इसके बाद में आएगा 27, तो इसमें केवल 27 ही काउंट आएगा। अगर कोई पूछे ये संख्या कौन सी है तो ये संख्या है केवल 27। लेकिन देखो अब इससे सबसे छोटी संख्या बनेगी, सबसे जीरो के अलावा लेना है हमें, तो जीरो के अलावा छोटा अंक कौन सा होगा? 2। अब लेंगे जीरो को, फिर दूसरा जीरो और फिर 7। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बन गई? 2007। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 76 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार से प्राप्त होने वाली संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखो 76 में कौन सी संख्या घटाएं, तो पहले हम 76 में 9 का भाग देंगे, 76 में 9 का भाग देंगे, 9 संते 63, 9 अंटे 72, कितना बचा शेषफल? 2 बच गए। अब देखो शेषफल 2 बचे, तो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, तो देखो 2 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? शेषफल 2 बचा तो 2 घटाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखो, एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका वेतन 300 रुपए हो तो वह कितना धन बचाता है? देखो 20% बचा रहा है किसका? 300 का। तो 300 का 20% कितना होगा? दो बिंदु से दो बिंदु, तो कितना हुआ 300 का 20%? 60 रुपये, यानी कि वो 60 रुपये बचाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार खेत का हमें परिमाप दे रखा है 36 मीटर। देखो वर्ग का हमें परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा, और 4 × भुजा का मान हमें दे रखा है 36। अब देखो भुजा इससे हम ज्ञात करेंगे, तो 4 क्या इंटू में है, तो ये बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा। तो 4 का भाग देंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो देखो भुजा आ गई हमारे पास में 9 मीटर। अब क्या बताना है? वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई पूछी है इसने, तो ये 9 मीटर हो जाएगी। तो 9 मीटर ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समिति 81 रुपये चंदा जमा करती है, समिति में कितने सदस्य हैं? प्रत्येक सदस्य ने, देखो समिति में कितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए चंदा दिया, समिति में कुल कितने सदस्य हैं? देखो समिति में, देखो यहां पर ये जितने नहीं है, ये जितने हैं यहां पर, समिति में जितने सदस्य हैं, समिति में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए दिए। माना समिति में अक्स सदस्य हैं, अक्स सदस्य हैं, और प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए चंदे दिए, तो प्रत्येक ने चंदा दिया कितना? अक्स रुपए। अब देखो 81 रुपए चंदा दिया, तो देखो एक सदस्य अक्स, अक्स सदस्य और अक्स ही रुपए दे रहा है, तो कितने रुपए इकट्ठे हुए?
रुपए। देखो अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर 81। अब अक्ष इसका रूट तो 81 का हो जाएगा 9 × 9, तो इसमें दो दो के जोड़े बनते हैं तो एक जोड़ा बाहर लेंगे तो अक्ष का मान आ गया 9। तो इसने पूछा कि कुल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 रुपए। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14, 28 और 56 का हमें लय से ज्ञात करना है। 14, 28 और 56 का हमें लय से निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का लगाएंगे 14 में 7 बार, 28 में 14 बार और 56 में 28 बार। इसमें लगाएंगे फिर 7 का, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 28, फिर जाएगा इसमें 2 का, 2 ये तो 1 में 2, ये 2 में 1 बार और 4 में 2 बार। ठीक है, अब दी गई संख्या को गुणा कर लेंगे 2 × 7 × 2 × 2। देखो गुणा कर लेंगे, 7 × 14, 14 × 2 = 28, 28 × 56, तो इसका लैस कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। देखो पहले 4, फिर 2 बार 4, फिर 3 बार 4, फिर 4 बार 4, अब यहां पर कितना आएगा? 5 बार 4 आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक लड़का प्रतिमाह 10 रुपए जेब खर्च के लिए अपने पिता से लेता है, वह प्रतिमाह 7 रुपए खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में वह कितना धन बचाएगा? देखो 7 रुपए खर्च कर रहा है वो प्रतिमाह, तो बचा कितना रहा है? तो बचत कितनी कर रहा है? 10 में से 3 खर्च कर दिए, 7 खर्च कर दिए, तो कितने बचा दिए? 3 रुपए प्रति माह उसने बचत कर ली। तो कुल बचत पूछी है, कुल बचत, तो कुल बचत कितनी हो जाएगी? देखो 3 रुपए 1 महीने के, और एक वर्ष में कितने महीने? 12, तो 12 × 3 = 36 रुपए की वो बचत करेगा। ठीक है, तो 36 रुपए की वो बचत करेगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में 0.6 से गुणा करने पर ये संख्या भी प्राप्त हो रही है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या में 0.06 से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा? देखो जब भी हम किसी संख्या को गुणा करेंगे, देखो किसी संख्या से, तो माना वो संख्या अक्ष है, गुणा 0.6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 657.24। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को, यानी कि इसी अक्ष को किस संख्या से गुणा करना है? 0.06। देखो यहां पर एक अंक छोड़ करके था और यहां पर दो अंक छोड़ करके गुणा करना है, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा? देखो उत्तर तो यही प्राप्त होगा, लेकिन पॉइंट का स्थान बदल जाएगा। देखो यहां पर एक अंक छोड़ करके पॉइंट था, तो यहां पर उत्तर में दो अंक छोड़ करके पॉइंट थे, अब यहां पर दो अंक छोड़ कर पॉइंट है, तो यहां पर 3 अंक छोड़ करके पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद करते तो हम इसमें पूरा भाग देके देखो पक्षांतर करेंगे, तो ये 0.6 इसमें गुणा में, तो इधर आएगा तो ये भाग में, और भाग दे करके ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे समझेंगे कि इसमें एक अंक छोड़ करके है और आंसर में आ रहा है 2 अंक छोड़ करके, इधर गुणा में 2 अंक छोड़ करके है, तो आंसर में आ जाएगा 3 अंक छोड़ करके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की देखो पूर्ति करनी है। देखो पहले तो है 0/2,
फिर आ जाएगा 2/0। देखो उल्टा हो गया, पहले 0/2, अब 2 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया। अब देखो तीसरा, देखो 3 बार 0 और बटावा 2, 3 बार 2। अब देखो अब इससे आगे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे और 0 नीचे आ जाएंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये संख्या दे रखी है, यदि 2 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए। देखो 2 के स्थान पर 2 कहाँ है, ये रहा संख्या है ये हमारे पास में 98 25। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। देखो 2 के स्थान पर क्या लिखना है हमें, 0 लिखना है, तो बाकी की संख्या तो सेम टू सेम रहेगी, 9 8, 2 की जगह 0 और ये 5। ये कह रहा है कितनी कम हो जाएगी, तो ये इसमें से घटा देंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, ये बाकी 0 हो जाएंगे सारे, तो कितनी कम हो गई, 20 कम हो गई, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। देखो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 10। अब इनको घटाएंगे, देखो अंतर ही तो पूछा है, घटाएंगे 9, 9 में से 1 गया तो 8, 89, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक खाली डिब्बे का भार 500 ग्राम है। देखो खाली डिब्बे का भार है 500 ग्राम, उसमें 3.5 किलोग्राम घी भर देने पर डिब्बे का कुल भार कितना हो जाएगा। देखो कुल भार हो जाएगा, देखो 500 ग्राम तो है उसमें खाली डिब्बे का, और उसमें 3.5 किलोग्राम हो जाएगा घी, तो देखो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18 और 24 का लसे निकालना है, 18 और 24 का लसे निकालना है। देखो सबसे छोटा 2, 2 का भाग लगाएंगे 18 में 9 बार, 24 में 12 बार। अब इसमें लगाएंगे हम 3 का, 3 3 9, 3 4 12। अब देखो दोनों में भाग किसी भी संख्या नहीं जा रहा है, तो गुणा कर देंगे, 2 × 3 × 3 × 4, तो 3 2 6 और 6 3 18, और 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।